और कहते हैं उत्तान पाद, उत्तान पाद कथाएं आप सुन रखे हैं, मैं उसका मूल सार आपको सुना रहा हूं क्योंकि अभी हमने बहुत आगे पहुंचना है। उत्तान पाद प्रियव्रत के छोटे बेटे ज्येष्ठ प्रियव्रत, उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो शास्त्र और वेदों के अनुसार श्रेष्ठ जनों के अनुसार जो अनुसरण करें वो सुनीति, और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। उत्तान पाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के बेटा हुए उत्तम और सुनीति के बेटा हुए ध्रुव जी महाराज। हम सब उत्तान पाद हैं, जिनके मातृ गर्भ में उल्टे हो पैर वो उत्तान पाद, और माँ के गर्भ में हम सब उल्टे पैदा उल्टे ही रहते हैं, उल्टे लटके हम सब उत्तान पाद हैं। हम सब की दो पत्नियां सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार, सुनीति शास्त्र सम्मत, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उस रास्ते पर चलना, दो बुद्धि हमारी भी। कई बार हम ये अच्छा तो है लेकिन परेशानी ज़्यादा है, अपनी रुचि के अनुसार हम कहीं और अपने रुचि अनुसार कार्य करते हैं। तो सुनीति का बेटा ध्रुव है, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, बड़ों के मार्ग बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो हमारा जो संकल्प है, हमारा जो लक्ष्य है वो ध्रुव यानी अटल, लेट मिलेगा लेकिन वो रास्ता श्रेष्ठ और सुदृढ़ होगा, और अपनी रुचि के अनुसार चलेंगे। तो सुरुचि का बेटा उत्तम हुआ, अपनी मर्जी से चलेंगे शायद वो रास्ता उत्तम होगा, लेकिन हम उस मार्ग के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएं ये जरूरी नहीं है। तो उत्तम की जो पत्नी सुनीति, उनका बेटा ध्रुव, एक दिन उत्तान पाद जी राज्यसभा में बैठे हुए अपनी पत्नी सुरुचि के साथ, सुरुचि अपनी रुचि के साथ ज्यादा स्नेह प्रेम करते हैं, उसके साथ बैठे हुए और उत्तम जो उसका बेटा उसको गोद में लिए हुए सभा में बैठे हुए थे। इतने में ध्रुव जी महाराज भी आए और उत्तान पाद पिताजी के गोद में बैठ गए। सुरुचि मैया ने देखा तो ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और राजा के गोद से अलग कर दिया और ध्रुव को कहा कि ध्रुव यदि तुम्हें पिता की गोद चाहिए ही तो पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, तो तब कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दे दो, तब जाकर के तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो सकते हैं। ध्रुव जी महाराज और उस अभागिनी का बेटा है, दौड़ पड़े ध्रुव जी, जैसे किसी सांप को डंडा मार दे और फुंकारते हुए जाता है उसी प्रकार से माता शिष्य बोले, मां के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर के ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास पहुंचे और माता सुनीति ने कहा कि बेटा क्या हुआ। ध्रुव ने कहानी सुनाई, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, मां तुम्हें भी अभागिनी कहा। सुनीति मैया ने कहा बेटा मा तो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुसादन विदतम यथा ही। बेटा कुछ गलत मन में मत सोचना, वो भी तुम्हारी ही माता है, और तुम आज तक मुझसे पूछते थे कि मेरे पिता कौन है, पिता कौन है, तो बता तेरी दूसरी माँ ने तो, तू तो मेरे को अपने पिता के बारे में पूछता था, लेकिन तेरी माँ ने, दूसरी माँ ने तो जगत के जो पिता उनके बारे में बताया, प्रसन्न होना चाहिए। जा बेटा, बोले माँ वो मिलेंगे कहाँ,
माता ने कहा कि कहाँ मिलेंगे, वन में जाओ और वो सर्वत सर्वात सर्वत्र विद्यमान है। और आज ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा उत्तानपाद को जब पता चला बेटा है नहीं, बड़ा चिंतित हुआ। रास्ते में जब जा रहे थे क्रोध से 5 वर्ष के बालक नारद जी आ टप गए। अरे बेटा कहाँ जाते हो? नारद जी को प्रणाम किया कि मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं निकले, अभी तो घर में रह ले, वन में जाएगा तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाएगा। आप कौन है? बोले मैं नारद। ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरी माँ ने तो कहा था कि नारद जी जब तुझे मिलेंगे तो समझ लेना सच्चे गुरु मिल गए, और वो तुम्हें परमात्मा तक मिला देंगे, और तुम मुझे घर भेज रहे हैं, मैं प्रभु को मिले बिना नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा कि लगता तो पक्का है। अरे बेटा बिना गुरु दीक्षा लिए हुए गुरु बनाए हुए परमात्मा मिल नहीं सकते। तो बोले आप बन जाओ गुरु। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन बेटा यहां वन में खाएगा क्या, किस प्रकार से रहेगा? ध्रुव जी महाराज ने बड़ी गजब की बातें कही कि काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करते कहा करी लेगो, अरे जान को देत जहान को देत, अजान को देत वो मोको भी देगो। अरे नारद जी कितने जीव रहे जल थल में, उनकी सुध लेत मेरी भी लेगो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। अरे नारद जी कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। बोले तोते को हरा कलर किसने दिया? बोले प्रभु ने। और हंस को सफेद रंग किसने दिया? बोले प्रभु ने। सुकाश्च हरिता कृता मयूरश्चित्रदायेन समय वृत्तिं विदास्यति। हरा कलर किसने दिया तोते को? भगवान ने। श्वेत कलर हंस को भगवान ने। और मयूर में अनेक प्रकार का चित्र किसने भरा? बोले भगवान ने। तो बोले जो भगवान सब ये देख रहा क्या वो मेरा पेट नहीं भरेगा? बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी ने कहा ये पक्का है, चेला बनाया, मंत्र दिया, मंत्र जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मिलेंगे कहां? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और निधिवन में जाकर के यमुना स्नान किया और जप में बैठ गए। 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास 5.5 महीने में भगवान वहां ध्रुव जी के महाराज ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो गए। और जो अंदर ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए तो ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय में झांकी थी वो लुप्त कर दी। अब छटपटाहट से ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो जो झांकी अंदर दिख रही थी वही झांकी बाहर सामने दिख रही। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, क्यों? क्योंकि 5.5 साल की उम्र है, अभी तो पढ़े लिखे कुछ है नहीं, स्कूल तो पढ़े नहीं, और वो भी आजकल तो स्कूलों की स्थिति ऐसी विडंबना हो गई, गौ से गणेश पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बोले सांप्रदायिक फैल जाएगी और गौ से गधा पढ़ा लेंगे,
जिस कथा का कोई अर्थ ही नहीं है, ये स्थिति बनी हुई। तो हमें स्कूल में शिक्षा के साथ साथ में जीने का ढंग भी तो सीखना है। तो भगवान ने अपना पांच जन्य नामक शंख कपोल पर लगाए, किसके? ध्रुव जी के। जो कोई कहीं मौख की यदि परीक्षा हो और याद ना होता हो, जिन विद्यार्थियों को कुछ पढ़ करके, ज्यादा पढ़ करके विस्मृति होती, याद नहीं होती है, तो भागवतकार कहते हैं इस मंत्र को पढ़ करके उस जल को पी लेना चाहिए। तो बोले जो आपने पढ़ा है, एक बार में पढ़ा है, वो याद हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं एक बार मंत्र पढ़ेंगे फिर याद हो जाएगा, अभ्यास करना पड़ेगा, हमेशा उस मंत्र को भाव के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो जो बोले बोलने की शक्ति कम होती है, तो इस मंत्र को पढ़ते 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 वो शक्ति परिपूर्ण हो जाती है। ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान ने जैसे शंख का स्पर्श किया तो ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे पुरुष, ऐसे भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। बोले जो चराचर जगत के अंदर विद्यमान है, आंखों में जो रोशनी के रूप में विद्यमान है, कानों में जो श्रवण शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें प्रभु नारायण को प्रणाम करते हैं। तो आइए, ध्रुव और ध्रुव जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी, क्योंकि तुमने राज्य के लिए मांग की थी, इसलिए 36,000 वर्षों तक यहाँ राज्य करो और उसके बाद मेरे धाम को ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाना, जो सुतल लोक से भी श्रेष्ठ है, उस ध्रुव लोक में चले जाना। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की कृपा से राजपाट किया। उनके भाई जो उत्तम थे, गंधर्वों के द्वारा, यक्षों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए। माँ सुरुचि भी देह को त्याग कर गई अग्नि में। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के बाद जब विमान लेकर के आए, तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं नहीं जाता, मेरी माँ पहले जानी चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस माँ ने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया होगा, वो क्या इस धरती में रह सकती है? ध्रुव जी ने आगे देखा तो पुरा यानेन गच्छति, पहले आगे वाले विमान में उनकी माता सुनीति बैठी हुई है। और मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठे, मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान में बैठे और भगवान के श्रेष्ठ धाम को होते हुए ध्रुव लोक को आज भी ध्रुव मंडल में दैदीप्यमान हो रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है और चतुर्थ स्कंद भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। जितना हो सके हमें भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके समुद्र समान, गुरु कृपा से हमें भी आदेश है कि कथा को छोड़ना भी नहीं है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कहीं सूक्ष्म रूप में और कहीं विस्तार से कथा को कहेंगे। और चार स्कंद परमात्मा के चरणों में हम समर्पित करते हैं। पंचम स्कंद में ज्येष्ठ जो पुत्र हैं प्रियव्रत जी, उनका वर्णन है। तो आइए कथा में पूर्व चलने से एक भजन हो जाए। जिसकी सत्ता इस चराचर जगत में, उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। जिसकी कृपा